Hello everyone, welcome back. मैं जोगिंदर कुमार. इन दिस वीडियो वी डिटेल अबाउट सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी के अंदर आप बेसिकली सेल की स्टडी करेंगे और डिफरेंट सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, और बाद में जो इसका जो सेकंड चैप्टर आएगा जिसके अंदर आप एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में स्टडी करेंगे और उसके डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिटेल अबाउट सेल. सेल है क्या? सेल जो है वो एक वर्ड है सेलुलर. एक वर्ड है सेलुलर. इस सेलुलर वर्ड से एक वर्ड लिया गया सेलुला. एक वर्ड लिया गया सेलुला. दैट वर्ड सेलुला, इट्स मीन इज दैट स्मॉल रूम. एक स्मॉल रूम जो होता है उस स्मॉल रूम के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, that is your centriole, and different type chloroplast हो गया. फिर different type के और जो cell organelle हैं हम आगे बात करेंगे, ribosome, या फिर उन सबों के बारे में बात करेंगे. तो ये different type के जो cell organelle हैं सब पाए जाते हैं एक single cell के अंदर. यानी है क्या, जैसे कि आपकी family के अंदर अगर 5 member होते हैं तो 5 मेंबरों का work different different होता है, लेकिन सारे के सारे एक small room या फिर एक room में रहते हैं. एक रूम मतलब एक घर में रहते हैं और सबका फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है. लाइक एज योर फादर जो होते हैं वो अर्निंग करने के लिए बाहर जाते हैं, मदर जो होती है वो घर का काम संभालते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ने के लिए जाते हैं, अगर आपका कोई बड़ा भाई है तो जॉब करने के लिए. मतलब सबका फंक्शन क्या है, डिफरेंट है. और सारे एक स्मॉल रूम के अंदर है, यानी एक रूम के अंदर है, एक घर के अंदर रहते हैं. तो उन सबों का क्या है, अलग अलग है. बट हम आगे में कंपार्टमेंटाइजेशन बताऊंगा, उसका मतलब आपको दोबारा यही फैमिली से रिलेटेड होगा. लेकिन फिलहाल आप इस चीज को समझें कि जो सेलुलर वर्ड है, जो सेल है वो वर्ड है सेलुला. सेलुला मतलब एक स्मॉल रूम जिसके अंदर डिफरेंट टाइप सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं. उन सारे सेल ऑर्गेनल का वर्क क्या होता है, डिफरेंट होता है. सबका काम अलग है. हर एक सेल ऑर्गेनल का अलग अलग काम है और हर सेल ऑर्गेनल को एक सेपरेट कंपार्टमेंट में रखा गया है. दिस इज हम इसलिए बोलते हैं सेल इज ए फंडामेंटली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट्स ऑल वर्ड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो इस चीज को ध्यान रखें कि सेल इज ए बेसिक यूनिट, सेल इज ए फंडामेंटली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनली बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो आप इस चीज के बारे में याद रखें. और दूसरी पॉइंट क्या, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया से लेके, एक बैक्टीरिया की बात करो और एक जो सबसे टॉप मोस्ट पे एक ह्यूमन बींग जो है वहां तक की बात करें, तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है सिक्वेंसली बात करें तो सभी ऑर्गेनिज्म की जो सेल है वो किसकी बनी होती है, सॉरी सबकी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेल के बने होते हैं. अब सेल से होता क्या है, देखो सेल क्या है, स्मॉल रूम यानी एक सेल की बात करते हैं. स्मॉल रूम क्या, हम डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट है उन्होंने अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दिया, उसी के बारे में हम थोड़ा बात कर रहे हैं. अब सेल है क्या, सेल के बारे में आपने पहला बोला कि ये क्या है, एक स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली. स्ट्रक्चरली बात करें और फंक्शनली बात करें तो बेसिक यूनिट ऑफ ऑल, देखो दिस वर्ड इज मोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. आपको इस चीज के बारे में याद रखना कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्ट्रक्चरली और फंक्शन, यानी स्ट्रक्चर के रूप में बात करें या फंक्शन के रूप में बात करें, तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, एक बेसिक यूनिट है. आप इसके बारे में थोड़ा याद रखें. क्यों है, स्ट्रक्चरली बात क्यों करते हैं, देखो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं, वो सबके सब एक स्ट्रक्चरली, एक यानी कि स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा गया है किसके द्वारा, एक सेल के थ्रू. जैसे क्या, अगर हम बात करते हैं हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में बात करते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, इस डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप क्या बोलते हो कि कोई भी अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बना वो आपका कैसे बना होगा, तो एक कोई स्मॉल यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वो क्या होती है, आपकी सेल होती है.
तो उस सेल ने कुछ टिश्यू बनाया होगा, उस सेल ने टिश्यू बनाया होगा, यानी एक सेल से टिश्यू बनता है। ओके, उस टिश्यू से ऑर्गन बनता है और उस ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है और इस ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो बेसिक यूनिट क्या थी आपकी पूरी बॉडी की, जो सबसे शुरुआत किसी चीज से हुई थी, तो एक सेल से थी, एक छोटे से सेल से हुई थी। दैट इज यानी वो बेसिक यूनिट क्या है, वो सेल है। उस सेल ने, जैसे मैंने सिंपली एक बात करता हूं कि ये कोई एक सेल है, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक सिंगल सेल जब बहुत सारी सेल साथ एक साथ में कंबाइन करेंगी तो ये कैट टिश्यू के फॉर्म में मिल गई, एक टिश्यू का फॉर्मेशन किया इन्होंने, और जब ये टिश्यू बना तो ये टिश्यू ही एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा और वही ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ऑर्गन सिस्टम की मैं बात करूं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने सीक्वेंस नहीं लिखा है यहाँ पे, बट मैं बताना चाहूं, अब बताना चाहता हूं आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मैन है वो कैसे बना। जैसे हम एक सिस्टम की बात करूं, मैं ओनली सिस्टम बता रहा हूं, ऑर्गन तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम कैसे बना मैं वो बता रहा हूं। जैसे हम माउथ से स्टार्ट करते हैं, तो माउथ से आप फिरिक्स पे जाते हो, फिर लिरिक्स पे जाते हो और फिर एसोफेगस में चले गए, यानी आपका जो फूड है वो माउथ में गया, माउथ से बाद आपके फिरिक्स में जाता है, लिरिक्स आपका साउंड बॉक्स होता है वो अलग है, बट हम बोलते हैं कि फिरिक्स के बाद आपका एसोफेगस में गया, एसोफेगस से स्टोमक के पास गया और स्टोमक के बाद आपका जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है। आपने माउथ के अंदर जैसे फूड को मेस्टिकेशन किया, तो माउथ एक ऑर्गन है, माउथ के अंदर जो टीथ है, टंग है, फिर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है, वो सबों ने एक अपना रोल अदा किया, एक रोल प्ले किया, उसके बाद वो फिरिक्स के पास गया, फिरिक्स ने उसको आगे धक्का दिया फूड को। एसोफेगस एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन भी क्या करता है, फूड को पैसेस करने में यानी मूव कराने में हेल्पफुल करता है माउथ टू स्टोमक। जैसे माउथ से आपके स्टोमक के पास तक फूड गया, यहाँ पे अगर आपका स्टोमक होता है तो होता है, और यहाँ पे जो आपका स्टोमक होता है वहां पे आपका फूड जाएगा, वहां पे आपका जो फूड होता है उसका चर्मिंग मतलब उसको मिक्सिंग किया जाता है और तोड़ा जाता है, स्टोमक की जो वाल है उसमें एसिड एसीएल जो करती है उसके बाद उसको मिक्सिंग करती है, उसके बाद वो फूड जो होता है आपका लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी आपके बॉडी के लिए जो इसेंशियल तत्व जो होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, या फिर इसेंशियल जो सबस्टांस होते हैं, उनको फूड से एब्जॉर्ब कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद वो फूड आगे जाता है इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है और लार्ज इंटेस्टाइन के पास जब जाता है वो भी एक ऑर्गन है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब किया आता है, और उसके बाद आपके जो वेस्ट फेकल मैटर होता है उसको एक रेक्टम में रख दिया जाता है, जब तक कि आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक फुली इजेकुलेट करने के लिए रिफ्लेक्शन ना मिले, तब तक आप रेक्टम में फूड को, फेकल मैटर को रखते हो, फूड को नहीं फेकल मैटर को रखते हो, और बाद में आप उसको इजेक्ट करते हो। तो क्या माउथ से आप जब रेक्टम तक पहुंचे और वहां से एनस के थ्रू जब उसको रिलीज आउट कर देते हो आपकी बॉडी से, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ओके, और ये ऑर्गन सिस्टम किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बना बना होगा और बनता भी है। ये जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म सेल से बना है उनके अंदर एक सेल ऑर्गेनल पाया जाता है। तो बेसिकली ये एक सेल के बारे में है। दूसरा, सेल के बारे में बात करें तो सेल क्या है, ये भी याद रखें कि ऑल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे किससे बने हुए, सेल से बने, इस चीज को भी आप ध्यान रखें। अब इसमें जो सेल थ्योरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट जो इन्वॉल्व थे, हम उनके बारे में बात करते हैं, और ये अपने आप में क्वेश्चन भी है कि कौन कौन सा साइंटिस्ट कब इन्वॉल्व हुआ और किसने किस किस चीज के बारे में डिटेल किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिटेल अबाउट कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने करी, सेल सेल की जो फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल थी वो किसने करी, वो साइंटिस्ट था, वो साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट रॉबर्ट हुक। ओके, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले
सेल को डिस्कवर्ड किया, कहां से डिस्कवर्ड किया? फ्रॉम कॉर्क सेल, यानी एक डेड सेल होती है जो कि प्लांट के अंदर पाई जाती है, प्लांट के अंदर एक कॉर्क सेल पाई जाती है, प्लांट के अंदर पाई जाती है, इस चीज को याद रखें। यानी रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवरी करी थी किसकी? सेल की। और वो जो सेल थी वो सेल क्या थी? डेड सेल थी। और वो कौन सी सेल थी? कॉर्क सेल थी। और वो प्लांट के अंदर पाई जाती है, कॉर्क सेल जो होती है प्लांट के अंदर पाई जाती है। इसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट था, वो साइंटिस्ट आए थे अपने एंटन वॉन ल्यूवेन, एंटन ल्यूवन हॉक, जो फर्स्ट साइंटिस्ट यानी एवी ल्यूवन हॉक इसको बोलते हैं। इस साइंटिस्ट ने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड की थी, डिस्कवर्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस साइंटिस्ट ने जो सेल डिस्कवर करी थी वो करी थी 1665 में, 1665 में। ओके, अब इस साइंटिस्ट ने एवी ल्यूवन हॉक ने जो फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर की, इसने कौन से सेल को करा था? डेड सेल को। और एवी ल्यूवन हॉक ने सबसे पहले डिस्कवर करी थी सेल, वो कौन सी थी? लिविंग सेल थी। तो आप इस चीज को याद रखें, इसने डेड सेल को डिस्कवर किया था और इसने लिविंग सेल को किया था, तभी मैंने यहां पे फर्स्ट बोला है, नहीं तो फर्स्ट तो यही हो गया। तो इसलिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से कहां से सेल को डिस्कवर्ड किया उसके बारे में याद रखें, फ्रॉम टार्टर ऑफ टीथ, जो आपके टीथों के ऊपर कभी आप ऐसे करते हैं तो आपके टीथों पे एक व्हाइट व्हाइट टाइप का जो सबस्टांस इकट्ठा हो जाता है, ओके, उसी से ही इन्होंने क्या करा है, फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था। इस चीज के बारे में याद रखें, टार्टर ऑफ टीथ, टीथ के ऊपर जो एक स्कम सा चिपक जाता है उससे इसने डिस्कवर किया था। तीसरा जो एनसीईआरटी के अंदर इंपोर्टेंट लिखा हुआ है, ये तो फर्स्ट एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, ये एनसीईआरटी के अंदर है। और एक और पॉइंट है जो एनसीईआरटी के अंदर है, वो पॉइंट क्या है कि किस साइंटिस्ट ने, यानी जो न्यूक्लियस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, न्यूक्लियस इसके बाद, इसके साइंटिस्ट एंटन ल्यूवन हॉक के, एवी ल्यूवन हॉक के बाद न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था वो साइंटिस्ट कौन थे? वो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट नाम है यहाँ पे, और उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। नाम याद रखना है क्योंकि ये तीनों की तीनों लाइनें एक क्वेश्चन को फ्रेम करती है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपके लिए तीनों की तीनों ऑल में करेक्ट आने चाहिए। कैसे? कि मैंने बोल दिया रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर करी फ्रॉम लिविंग सेल, गलत होगी, आपको डेड बोले तो आप उस चीज को याद रखें। तो थोड़ा कोरिलेट करते हुए भी याद करें कि किस साइंटिस्ट ने क्या दिया। ये एनसीईआरटी के अंदर है, आप इस चीज के बारे में याद रखें कि लिवन हॉक ने, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। उसके बाद देखो डिफरेंट एक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसके बाद लिखा हुआ है कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, ओके, उन्होंने आगे के जो सेल, एक छोटी सी सेल, ये जो एक सेल होती है छोटी सी, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनेल होती है, उनकी स्टडी एक जनरल, एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं होती। उसके लिए एक ऐसा माइक्रोस्कोप चाहिए जो और इलेक्ट्रॉन के साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको भी देख सके। तो उसके लिए जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक ये काम सस्पेंड हो गया था, रुक गया था कुछ टाइम के लिए। तो फिर एक कुछ साइंटिस्टों ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का है वैसे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि दो साइंटिस्ट है, यानी इलेक्ट्रॉन किसने, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया? दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड। याद रखें, आप वीडियो देख रहे हैं इसलिए, और क्वेश्चन भी है फिजिक्स का भी और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। वो दो साइंटिस्ट थे नोल एंड रस्का, ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने किसको डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के किया था। ये बेसिक आपका एक इंट्रो टाइप का है जो आप इस पूरे चैप्टर के अंदर अब आगे पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूं। अभी तक आपने ये सारे डिटेल देखे, जब इसके बाद आप देखेंगे कि
जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सेल ऑर्गेनल को यानी सेल ऑर्गेनिज्म को दो फेजेस में डिवाइड कर दिया, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। फिर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।